पर जनता का काम आप कर रहे हैं, जनता के लिए काम है और जनता के हित में काम है, ये आपकी सोच है, उसके लिए आप मुबारकबाद के पात्र। बिरला ऑडिटोरियम में बजट का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला का आयोजन। सिविल सोसाइटी द्वारा राज्य बजट की प्रशंसा करने तथा बजट पर विश्वास करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी का जताया आभार। जयपुर से संवाददाता डब्ल्यू गोस्वामी, ब्यूरो चीफ राजस्थान। राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सोमवार को बजट का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिविल सोसाइटी द्वारा राज्य बजट की प्रशंसा करने तथा बजट पर विश्वास करने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित तबके के लिए काम करने तथा उनकी जमीनी जरूरतों को समझने में सिविल सोसाइटी व स्वयंसेवी संगठनों की अहम भूमिका है। सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए बनाई योजनाओं को कारगर तथा उपयोगी बनाने में इन संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सिविल सोसाइटी सरकार को आत्म अवलोकन करने में भी सहायता करती है तथा सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा कर उन्हें और बेहतर बनाने में सहयोग करती है। सिविल सोसाइटी के सुझावों के बाद ही देश में RTI, RTE, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी का अपना महत्व है, इसको नकारने वाले लोगों को निश्चित रूप से लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता। कार्यशाला की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चर्चा होगी तथा सुझावों का क्रियान्वयन किया जाएगा। लोकतंत्र में संवाद की बड़ी महत्वता होती है, कार्य में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, इसलिए सिविल सोसाइटी के सदस्यों के सुझावों का हमारी सरकार हमेशा स्वागत करती है ताकि कमियों को दूर कर योजनाओं को जनता के लिए अधिक लाभकारी बनाया जा सके। आपके बहुमूल्य सुझावों की जरूरत हमेशा हमें रहती है जिससे सरकार अपने लक्ष्य को अर्जित करने में सफल हो सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी शांति एवं अहिंसा निदेशालय को एक विभाग के रूप में स्थापित करने की घोषणा भी की। इससे पहले वित्त विभाग की ओर से सोमवार को बिरला ऑडिटोरियम में जनता का बजट जन जन तक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सामाजिक संगठनों व सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की। कार्यशाला में महात्मा गांधी नरेगा योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल, कृषि बजट, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच एवं दवा योजना, राइट टू हेल्थ बिल, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, पालनहार योजना, इंदिरा रसोई योजना आदि पर सामाजिक संगठनों व सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, निखिल डे, के राजू, सरफराज एवं सुमन देवतिया सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पर जनता का काम आप करें, जनता के लिए काम है और जनता के हित में काम है, ये आपकी सोच है, उसके लिए आप मुबारकबाद के पात्र। एक सोच व्यक्ति की क्रांति कर सकती है। मैं अरुणा राय जी और प्रसन्न कुमार प्रधान के बारे में दो बातें करना चाहूंगा, जो मेरा परिचय कैसे हुआ उनसे। बचपन से मैं खुद गांधी पीर फाउंडेशन का एक दिन था, तरुण शांति शाला, जिसका मैं सदस्य था, मैं पढ़ता था कॉलेज के अंदर। गांधी जी के सचिव थे महादेव भाई देसाई, आपने पढ़ा होगा उनके जीवनी में। उनके लड़के थे नान भाई देसाई। उन्होंने एक संगठन बनाया तरुण शांति शाला, अकाल सूखा पड़ जाओ या कोई घटना हो जाओ, शरणार्थी आ गए, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे हमारे यहाँ बांग्लादेश के, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए। उस वक्त में वो कैंप लगाया करते थे और हम लोग ले जाते थे। ऐसे कई कैंप में मैं गया था तो वहां कुमार प्रशांत भी आते थे, मैं इनको जानता नहीं था। मैं बैंक वेंचर था, मुझे बोलना नहीं आता था, ना मैं खड़ा हो सकता था, ना बोल सकता था। मुझे कोई कह देता मेरा नाम पुकार लेते तो मुझे बहुत गुस्सा आता उसके ऊपर, नाम क्यों पुकार लिया। मेरी स्थिति जिंदगी में ये रही है। और कुमार प्रसन्न उन लोगों में थे जो कोई विषय छोड़ते नहीं थे बोलने।
तो मेरा बच्चा एक तरह था, जब एक तरह प्यार होता ना कई बार जोरदार, एक ये थे, एक हमारे संतोष भारतीय थे, एक पत्रकार हैं वो थे, कुछ लोग थे जो हर वक्त बोलते थे, मैं हर वक्त राम राम करता था, कोई मेरा नाम पुकार नहीं ले बोलने वो मेरी स्थिति थी। तो ये 50 साल की बात, 50 साल पुरानी बात थी जो मैं याद कर, वो संगम मेरा मेरे साथ में, और मेरा नंगा में 40 साल तक निवास मुझे 40 साल तक निवास, 40 का मतलब 38 हो सकता, 42 हो सकता है। मैंने जैसलमेर में जो देखा अभी 10 साल पहले, 8 साल पहले होगी। इसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आईटी ने और मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में एक वॉर रूम का गठन किया गया है, और उसमें हर वो चीज जो है उसी तरह से ट्रैक की जा रही है, जिससे उसकी क्रियान्विति जो है समयबद्ध तरीके से कैसे हो सके, कैसे उसकी जियो टैगिंग हो, किस तरह से हम जो है ग्राउंड की फीडबैक लें, जिससे जो आप जैसा आपने नारा दिया है कि जन घोषणा आप लोगों के लिए, तो उसमें उस व्यक्ति को क्या वाकई लाभ मिल रहा है। अभी हम मीटिंग ले रहे थे 4-5 दिन पहले वॉर रूम की, तो उसमें एक टीम माननीय मंत्री मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से भेजी गई थी चिरंजीवी योजना को लिखने के लिए, और उसमें उन्होंने बेनिफिशरीज की फीडबैक दी, तो उसमें लगा कि चिरंजीवी से जो बहुत गरीब तबका है उसको कितना ज्यादा लाभ मिल रहा है ये सुनते ही बनता था। इसी तरह शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसमें जनाधार का क्या तरीका निकाला जाए, जिससे जो इसके पास जनाधार नहीं है वो इस योजना से कैसे जुड़ पाए, वंचित ना रहे, इसका ध्यान रखा जाए, दूरी का ध्यान रखा जाए, और डिपार्टमेंट की लगातार इसमें मीटिंग हो, बेघर पॉलिसी का तुरंत इम्प्लीमेंटेशन हो। इसी तरह एजुकेशन में मैं मैम के साथ बैठी हुई थी, अनौपचारिक जब चर्चा हो रही थी तो इसमें वो सभी बातों पे चर्चा हुई कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में ग्राउंड में क्या फीडबैक है, या ब्रिज कोर्सेज में हमें जो है किस तरह से सुधार लाना है, और टीचर्स की भर्ती को हमें जो है एक्सपेडाइट कैसे करना है, इस पर हमें फोकस करना होगा। हालांकि टीचर्स की भर्ती पे भी रिसेंटली हमने रीट का एग्जाम सक्सेसफुली कराया, और हमारी भी यही कोशिश है कि जो बजट घोषणा या शिक्षा के लिए टीचर्स का और स्टूडेंट का रेशियो उसको कम से कम कैसे किया जाए, वो तभी हो सकता है जब टीचर जो है उनकी भर्ती समयबद्ध तरीके से हो और वो स्कूल में पहुंचे। इसके बाद हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। हेल्थ में राइट टू हेल्थ एक्ट जल्दी आए, इस ओर हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, और जन आधार आपका कहना है कि इसकी कंपल्शन को खत्म किया जाए, इस रिकमेंडेशन को मैंने नोट कर लिया है, और निःशुल्क दवाई की हम किस तरह ट्रैकिंग की व्यवस्था करें, डेफिनेटली अति उत्तम सुझाव है। SC ST समुदाय का नीड बेस्ड असेसमेंट कैसे हो, सिविल सोसाइटी का किस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ये नितांत आवश्यक है, और इसका फंड जो हम बनाते हैं जो डेवलपमेंट फंड स्पेशल कैटेगरी का होता है, इसमें भी आपकी कैसे भागीदारी हो, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, वन अधिकार हम इसमें गति